बड़ी खबर सोमनाथ भारती से जुड़ी हुई, जो पहुंचे हैं दिल्ली के द्वारका थाने सरेंडर करने के लिए। दिल्ली के द्वारका थाने में पहुंचे हैं सोमनाथ भारती। तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब सोमनाथ भारती पहुंचे द्वारका थाने में सरेंडर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, डेडलाइन के बाद पहुंचे हैं थाने। This guarantees every Indian citizen to avail legal remedies available. There was a warrant and I was availing my legal remedies till Supreme Court. Today, Honorable Supreme Court has directed me to surrender. In compliance of the direction of Honorable Supreme Court, I am here to surrender. I was not running away from law. I was only availing the legal remedies guaranteed by the Constitution of India. Thank you. द्वारका थाने पहुंचे सोमनाथ भारती, हाथ में थी संविधान की किताब। मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया लेकिन कानून समझाया। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पहुंच चुके हैं सरेंडर करने के लिए दिल्ली में। द्वारका थाने में पहुंचे हैं सोमनाथ भारती। सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए आखिरी समय शाम तक का दिया था। भारती पर पत्नी पर घरेलू हिंसा का आरोप है। भारती की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा था सोमनाथ भारती को।